सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपटीशन बैकलिंक एनालिसिस। बेसिकली जब आप अपनी साइट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और अपनी साइट का एसईओ आप बूस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप ये देखिए आपके सेगमेंट में, आपकी नीच में, आपकी कैटेगरी में जो आपका कॉम्पिटिशन है उसने कहाँ से बैकलिंक बनाए हैं। क्योंकि जाहिर है अगर वो जेन्युइन बैकलिंक हैं तो उन्हीं साइट से आपको भी बैकलिंक बनाने हैं, क्योंकि अगर उसने जेन्युइन बनाए होंगे तो आपकी ही कैटेगरी में जो टॉप साइट्स हैं वहां से बैकलिंक बनाए होंगे, राइट? तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो लेट्स से मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूं बेस्ट कैमरा या बेस्ट कैमरा लेट्स से फॉर यूट्यूब वीडियोज, इस पर एक मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूं। तो इस पर बहुत सारे ऑलरेडी ब्लॉग आ रहे हैं और ये हमारी जो मॉज एक्सटेंशन है इसको हमने ऑन कर रखा है, तो हमें साथ के साथ यहाँ पर जैसे ये ब्लॉग लिखा है इसके लिंक्स भी दिखाई देंगे कि कितने लिंक हैं ये जो टॉप पर आ रहा है। और मान लेते हैं मैं जो कंपटीशन हूँ मैं यहाँ पर हूँ बॉटम पे, या ये है मेरा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से थर्ड पेज पर हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ 87 लिंक्स हैं, जीरो लिंक हैं, और मैं आना चाहता हूँ फर्स्ट पेज पर या ऊपर अपनी रैंकिंग लेके आना चाहता हूँ जितनी की इसकी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जाना है ये जो 298 लिंक्स हैं मैं इन पर सिंपली क्लिक करूँगा, ये मेरा कंपटीशन है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसको लिंक कहाँ से मिले, और एक टैब में मैं इस वेबसाइट को भी ओपन कर लूँगा, राइट? अब जब लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने पेज खुल के आ गया, ये हमारा मॉज में जो अकाउंट है उसमें ही पेज खुला है। आपको एक दिन में, मतलब एक महीने में इन अवेयर अदर 10 क्वेरीज मिलती हैं, तो अभी 7 क्वेरीज बची हुई हैं 10 में से। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, लिंक्स को लेकर भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, टॉप फॉलोड लिंक्स टू दिस साइड, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुल के आ जाती है मेरे पास लिस्ट कि इनके कौन से कौन साइट है जिससे इनको लिंक्स मिल रहे हैं। और इस पर मैं एक काम करता हूँ डोमेन अथॉरिटी से सॉर्ट कर देता हूँ, तो होगा क्या, जो बेस्ट डोमेन है, जो बेस्ट वेबसाइट है वो मिल जाएंगी। अब ये जो साइट है इस साइट से इनको, इसको मैं क्लिक करता हूँ, इस साइट पर इनका लिंक लगा हुआ है, लेट्स सी कहाँ पर लिखा हुआ है। और साइट भी बड़ी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी इसकी लगभग 90 है। तो इस लिंक को अभी हम सर्च करेंगे, बहुत सारे लिंक हैं यहाँ पर, जैसे ये है, देखते हैं, ये तो नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, तो हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करें पेज पे कहीं भी, व्यू पेज सोर्स में जाएं और जो आपका कॉम्पिटिटर की साइट थी, जो पेज था, उस लिंक को कॉपी किया हमने, और हम यहाँ कंट्रोल F करेंगे, कंट्रोल फाइंड और कंट्रोल V, यहाँ सर्च करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है, राइट, ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया, ये जो लिंक है इस, बेसिकली जब हम व्यू पेज सोर्स करते हैं तो पेज की जो कोडिंग है वो खुल जाती है, जो बैकग्राउंड पे जो कोडिंग हो रखी है जिसकी वजह से आपको ये पेज ऐसा दिख रहा है, और कोडिंग में जाकर हमें यहाँ पर ये दिख जाता है कि भाई ये लिंक इसमें लगा हुआ है, राइट? सिमिलरली अगर मैं कोई और वेबसाइट देखना चाहूँ जो बहुत अच्छी है, तो इस पे जाते हैं, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर भी आई कैन गो सिंपली व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल F, कंट्रोल V, ये देखिए ये मिल गया है यहाँ पर, राइट? वंस यू आर रेडी फॉर मोर एडवांस कैमराज, ये जहाँ पर लिखा हुआ है इस पेज पे वहीं पर कोड लगा हुआ है, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये है विच वंस, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये साइट खुल जाएगी जो हमारे कॉम्पिटिटर की साइट थी। अब करना क्या है, आपको क्या फ़ायदा उठाना है, कैसे आप कर सकते हैं, बेसिकली आप इसी साइट पर जो भी इनका लेट्स से कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी यहाँ पर वो आपको निकालनी पड़ेगी, ईमेल एड्रेस निकालना पड़ेगा, ढूंढ के इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ जाते हैं तो अब इनका ट्विटर मिल गया, ईमेल नहीं मिला, तो हम ट्विटर पे ही चले जाएंगे यूज फॉर्मेट, और इनको जाकर एक रिक्वेस्ट डाल देंगे, ट्विटर पे हम मैसेज कर सकते हैं या यहाँ पर इनका ईमेल निकाल कर इनको एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि भाई
मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा, उसमें आपने ये जो बेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब वीडियोज़ है इसको हाईलाइट कर रखा है, तो मैंने भी आर्टिकल लिखा है इसी के ऊपर, मैंने भी ब्लॉग लिखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने आर्टिकल में इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि हो सकता है आपको 100 में से 5 या 7 लोग ही रिप्लाई करें, लेकिन ये वर्थ है। वर्थ इसलिए क्योंकि जब आप इस तरह के जिसकी डोमेन की अथॉरिटी 82 है, यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होगी गूगल के हिसाब से, आप ऑथराइज्ड वेबसाइट हो जाएंगे, राइट। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। फिर से रिकैप कर लेते हैं, आपको अपने कॉम्पिटिशन का जो भी लिंक है उसको सर्च करना है, सर्च करने के बाद लिंक्स पर क्लिक करना है, मौज में जाने के बाद लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद जो टोटल लिंक वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, राइट। जो यहाँ पर अभी आ जाएगा, यहाँ पर ये इनबाउंड लिंक्स, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप चाहें तो, और आप यहाँ पर भी टॉप फॉलोड लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किस किस साइट पर ये लिंक्ड है, राइट। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या होगा। तो कंपटीशन का तो आपको पता चल गया कि कंपटीशन की जो एनालिसिस है वो आप कैसे करेंगे, ये आपने देख लिया, राइट। अभी हम आगे बताने वाले हैं, जो मैंने आपको एक तरीका भी बताया कि कैसे आप सेम चीज़ को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको पता चल गया कंपटीशन एनालिसिस कैसे करनी है, कैसे पता चलेगा कि आपका कंपटीशन कहाँ से बैकलिंक यूटिलाइज कर रहा है। ऑल राइट।